তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথি নিশম, তুমি রবে। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ एंड लगभग 3.5 महीने बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ एंड मुझे इतनी ज्यादा खुशी फील हो रही है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं इतने दिनों बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। शादी के बाद ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड इतने दिनों तक मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किया है, उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी गाइस। तो आज की जो मेकअप लुक आप मेरे फेस पर देख सकते हो वो स्पेशली पहला बोशक के लिए मैंने क्रिएट किया है। आप देख सकते हो, जरूर देखना चाहते हो ना कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है। सो बिल्कुल टाइम हुआ इसको मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड तक करना डेटॉल, हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट जीतेंगे ये फाइट। ओके सो सबसे पहले मैं अपने फेस पर रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ। एक्चुअली ये बॉटल में मैंने रोज़ खादी का रोज़ वाटर मैंने डाल के मैंने इसमें थोड़ी सी टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स करके मैंने स्प्रे किया है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ डव की ये मॉइस्चराइज़र। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है एंड इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल डाब सोप की तरह ही है। एंड उसके बाद मैं फेस पर प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ नायका की एंड अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, टी जोन एरिया पर ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर की मदद से। एंड उसके बाद डायरेक्ट मैं आई मेकअप पर जाऊँगी, फेस मेकअप पर मैं नहीं जाऊँगी। तो आईलिड्स पर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद ब्राउज पर भी मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये बटन वाल की कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद ब्रश की मदद से मैं अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर को एंड एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं ब्राउज के कंसीलर को मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद आई शेडो के लिए मैं ये ब्यूटी ग्लैजर की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से ये बनाना वाले शेड को मैं पिक कर रही हूँ एंड कंसीलर के ऊपर मैं इसे बफ कर रही हूँ ताकि मेरी कंसीलर बिल्कुल भी क्रीज ना हो। एंड उसके बाद ये ऑरेंजी शेड को मैं पिक कर रही हूँ एज ए ट्रांजिशन शेड एंड एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पर मैं प्लेस कर रही हूँ एंड सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। एक साथ में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं लेनी है, थोड़ी थोड़ी करके आपको प्रोडक्ट लेनी है। एंड उसके बाद ये डार्क पिंक कलर को मैं पिक कर रही हूँ एंड क्रीज लाइन के नीचे मैं अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करनी होती है, बहुत अच्छे से आप ब्लेंड कीजिएगा एंड आप देख सकते हो मैं अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड ब्लेंड करने के बाद आप एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से फिर से आप ब्लेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं कट क्रीज करूँगी, उसके लिए मैंने ये फ्लैट ब्रश की मदद से मैं कंसीलर को मैं प्लेस कर रही हूँ आईलिड पर। मैं सेम बटन वाल की कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एंड अच्छे से मैंने कंसीलर को मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद ये येलो वाली शेड को मैं फिंगर की मदद से मैं अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो फिंगर की मदद से भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने यहाँ पर फिंगर और ब्रश दोनों का ही इस्तेमाल कर लिया है एक्चुअली। सो अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद ये ब्लैक वाली शेड को मैं जस्ट आउटर वी पे मैं अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो एंड सिर्फ आउटर वी पे मैं फोकस करके मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद लैक्मे की ये आईलाइनर से मैं एक बोल्ड मैविंग आईलाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। एंड कंप्लीट हो चुकी है एंड दूसरी आँखों का भी मैंने कर लिया है। एंड उसके बाद ये डार्क ब्राउन शेड को मैं पिक कर रही हूँ सेम पैलेट से एंड मैं अपने आईब्रोज को मैं फील कर रही हूँ, आप देख सकते हो।
मैं अच्छे से मैं अपने आईब्रोज को मैं फील कर रही हूँ एंड उसके बाद स्पून की मदद से मैं कोम कर लूँगी एंड दूसरे आईब्रोज का भी मैंने कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद मैं अपने फेस मेकअप पर जाऊँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन एंड उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अपने फेस को मैं ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को अच्छे से। फॉरहेड पर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्रश की मदद से थोड़ी सी अप्लाई कर रही थी क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसीलिए। एंड उसके बाद सेम कंसीलर को मैं अपनी अंडर आइज पर एंड नोज ब्रिज ऑफ द नोज़ पर मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। एंड उसके बाद ये मेवेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट से मैं अपने फुल फेस को मैं सेट कर रही हूँ ताकि कुछ भी क्रीज ना हो एंड नेक को भी मैंने सेट कर लिया है अच्छे से। एंड उसके बाद मेबेलिन वी फेस ब्लश कॉन्टोर से मैं कॉन्टोरिंग शेड को मैं पिक करके मैं अपने फेस को मैं कॉन्टोर कर रही हूँ नोज़ पर अच्छे से। मुझे नोज़ पर कॉन्टोरिंग करना बहुत पसंद है। एंड उसके बाद ब्लश वाली शेड को मैं पिक करके ब्लश अप्लाई कर लिया है। एंड उसके बाद वेट एंड वाइल्ड की ये हाइलाइटर जहाँ पर भी मैं एज यूजल मैं अप्लाई करती हूँ वहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे वेट एंड वाइल्ड की एंड उसके बाद सेट कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। एंड उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन की ये वाली। एंड उसके बाद ये है मेरी फाइनल फिनिश लुक। तुम ही रावे रावे आप लोगों को मेरी आज की मेकअप लुक अच्छी लगी होगी एंड अच्छी लगी हो तो एक बड़ी सी एक लाइक कर दीजिए। एंड ये वाली मेकअप लुक आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे जरूर कमेंट्स करके बताना एंड मुझे कितना ज्यादा मिस किया है वो भी जरूर कमेंट्स करके नीचे बताना। एंड मेरी वीडियोस पहले की तरह शेयर करना एंड बहुत सारा प्यार देना। एंड अगर आप लोगों को मुझे कुछ पूछना है एंड मुझे कुछ बताना है तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट्स करके बताना एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली कमेंट्स पढ़ना और रिप्लाई करना। तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो आज के लिए इतना सा ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय। लव यू ऑल।